लग्गू सही कह रहा है भीम, तुम आगे बढ़ो। हम उस्ताद के साथ रहेंगे ताकि उनको डर ना लगे। रहा है कि कहीं कहीं रंगड़ा उससे पहले न पहुंच जाए। तुमने याद किया और हम पहुंच गए बारूक। इस भीम ने मुझे बहुत परेशान किया है, आज इसका अंत किए बिना रंगड़ा वापस नहीं जाने वाली। जाओ फैला दो अपनी शैतानी सेना को और चारों तरफ से घेर लो इन्हें। ये हमें चारों तरफ से घेर कर हम पर हमला करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन हमारे पास तो इतनी सेना है ही नहीं, चारों तरफ से हम मुकाबला कैसे करेंगे? करेंगे, हम मुकाबला जरूर करेंगे। सबको एकजुट होने के लिए बोल दो, हम अपना दायरा छोटा करके इनसे लड़ेंगे। सब यहाँ पर एकजुट हो जाएं, हम यहीं से लड़ाई करेंगे। उनको हमारे नजदीक आने दो। अरे मूर्ख, रंगड़ा की सेना कभी खत्म नहीं होती, ना समझ लड़के। ये तो चीटियों जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, अगर इनको रोका नहीं गया तो। दुष्टों को दिखाते हैं कि ढोलकपुर और ढोलकपुर के टीम से उलझने का क्या अंजाम होता है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढोलकपुर की सेना का सफाया कर दो। जाओ Ah!
जम क्यों हो गई? लगता है ये तैयार है। नहीं, पृथ्वी चक्र के पास जाते ही मेरी शक्तियाँ कम होने लगी हैं। पृथ्वी चक्र? चुटकी, शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी चक्र से जुड़ी हुई हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो चुटकी। लेकिन कैसे अगोया? अगोया! ये महान शैतान का दिया हुआ नरक शस्त्र था। इसे तुमने कैसे? तो बरौन का दिव्यास्त्र तुम्हारे काम आखिर आ ही गया। दूसरों का नुकसान करने वालों को आखिर उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। रगड़ा मैं अपना बच्चा लेने वापस आऊंगी। कहाँ है वो दुष्ट रंगड़ा? भाग गई। ये रंगड़ा जब हारने लगती है तो चीटिंग पर उतर आती है। तुम देखना ढोलू भोलू, महाराज जरूर मुझे ही सेनापति बनाएंगे।